हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कि क्या जिम करने के बाद वेट बढ़ जाता है। इस बात में कितनी सच्चाई है, अब हम इसी बारे में डिटेल में बात करेंगे। मुझे अक्सर बहुत लोग ये पूछते हैं कि सिमरत, आप हमें बताएं कि अगर हम जिम छोड़ देंगे या हम एक्सरसाइज करना छोड़ देंगे तो क्या हम वेट पुट डाउन तो नहीं कर लेंगे, या जो हमने वेट इतनी देर में इतनी मेहनत करके लूज किया है क्या वो डबल वेट होकर वापस तो नहीं आ जाएगा। ऐसा कई केसेस में एक्चुअली होता है। इसका रीजन ये होता है कि आपने जो वेट लूज किया होता है वो गलत तरीके से जिमिंग और गलत तरीके से क्रैश डाइटिंग कर वेट लूज किया होता है। आपने वो वेट लूज किया है सिर्फ जिम में कार्डियो करके, बहुत ज्यादा क्रैश डाइटिंग और भूखे रहकर आपने बहुत ही कम टाइम में अपना वेट लूज कर लिया, और आपका जो गोल होता है वो होता है कि मुझे सिर्फ इस वेट तक पहुंचना है। जैसे ही आप उस वेट तक पहुंचते हैं आप क्या करते हैं, आप जिमिंग एक्सरसाइज करनी बिल्कुल आपकी बंद, और जो आपका डाइट का पैटर्न था आपका वो डाइट का पैटर्न हो जाता है बिल्कुल खत्म। आप अपने नॉर्मल ईटिंग रूटीन पर वापस आ जाते हैं जिसमें आप जंक भी खाते हैं, आपके खाने का कोई टाइमिंग नहीं होता है, आपका ओवरऑल जो दिन का प्लान है वो बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं है। इससे क्या होता है कि आपने जो भी वेट कम किया होता है वो बहुत ही कम टाइम में डबल होकर आपके ऊपर वापस पुट ऑन हो जाता है। इसीलिए गाइस, मैं आपको अपनी हर वीडियो में एक चीज कहती हूँ कि जो भी एक्सरसाइज का और जो भी डाइट का पैटर्न हम अपने लिए चूज कर रहे हैं, आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि आपको थोड़ा सा आगे का सोचना है कि आप कितने सालों तक इस चीज को एक्चुअली कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि आप अपने आप को मेंटेन कर पाए। गाइस, अगर तो आपने बहुत लंबे टाइम के लिए बहुत सीरियस और डेडिकेटेड जिमिंग की है, आपने अपनी उस रूटीन में हर बॉडी पार्ट को प्रॉपरली ट्रेन किया है और हर बॉडी पार्ट पर इक्वल मेहनत की है, आपने चेस्ट पर, लेग्स पर, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, शोल्डर, हर पार्ट को बहुत इंपॉर्टेंस दी है, और साथ में ही अगर आपने रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कार्डियो किया है अपनी हार्ट की अच्छी हेल्थ के लिए, तो उसके बाद अगर आप 2 या 3 महीने के लिए जिम नहीं भी करते हैं तो भी मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपने जिस स्टेट में जिम छोड़ा था आप उसी स्टेट में रहेंगे और आपका वेट पुट ऑन नहीं होगा। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ी कंडीशन आती है, वो है आपकी डाइट की। अगर तो इस दौरान आपने बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं की है लेकिन आपने अच्छा और हेल्दी खाना खाया है, आपने बहुत ज़्यादा जंक नहीं खाया है, आपने 15 से 20 दिन में एक बार जो भी आपका बाहर का खाना है आपने वो खाया है, तो गाइस ये बिल्कुल भी आप मन में से अपना वहम निकाल दीजिए कि आपका वेट पुट ऑन होगा। क्योंकि होता क्या है कि इतनी देर में जो आपने एक्चुअली मेहनत करके जो अपनी बॉडी पे मसल मास बिल्ड किया होता है वो थोड़े से टाइम में एक्चुअली लूज नहीं होता है, उसे बहुत ज़्यादा टाइम का गैप चाहिए होता है एक्चुअली लॉस के लिए। यही एक रीज़न है कि वेट ट्रेनिंग एक ऐसा बेनिफिशियल और इफेक्टिव मेथड है जो कि आपको लाइफ लॉन्ग पूरी जिंदगी आपको हमेशा फायदे देता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, मैं आप लोगों को यही एक सलाह देना चाहूंगी कि किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को अपनी पूरी एक लाइफस्टाइल का हिस्सा जरूर बनाइए। अपने लिए आप शॉर्ट टर्म गोल्स मत रखिए कि आपको 3 महीने के बाद एक शादी अटेंड करनी है, आपको सिर्फ उसके लिए पतला होना है, या 2 महीने के बाद आपको एक हॉलीडे पर जाना है तो आपको सिर्फ उसके लिए पतला होना है। आपका जो एक प्रॉपर गोल है वो ये होना चाहिए कि मुझे लाइफ लॉन्ग फिट होना है। जब आप अपने अंदर ये गोल रखेंगे तो आप रेगुलरली अपनी बॉडी को एटलीस्ट 1 घंटा एक्सरसाइज जरूर देंगे, और जब आपने ये दे दिया तो आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ वो रिजल्ट्स इतने अमेजिंग होंगे कि जिम, एक्सरसाइज या कोई भी स्पोर्ट छोड़ने का जो ख्याल है वो आपके मन में बिल्कुल भी नहीं आएगा। और सबसे बड़ा बेनिफिट गाइस मैं आप लोगों को आज बता देती हूँ कि अगर आप आज अपनी जवानी में प्रॉपर एक्टिव रहते हैं, दिन का 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं, शायद आपको इस चीज का बेनिफिट अभी इस टाइम पर नहीं रियलाइज होगा, लेकिन जब एक्चुअली आपके ऊपर बुढ़ापा आएगा उस टाइम पर आप जितने एक्टिव होंगे, जितने हेल्दी होंगे, आपको एक्चुअली बहुत ही कम बीमारियां लगेंगे और आप एक्चुअली बहुत ही खुश रहेंगे,
तब आपको रियलाइज होगा कि मैंने जो पिछले इन सालों में इतनी मेहनत की है उसका रंग मुझे आज उस टाइम पर मिला है जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। दिस इज इट गाइज, ये थी मेरी आज की वीडियो एक बहुत ही ज्यादा पूछे हुए टॉपिक के ऊपर। तो अगर आपके मन में जिमिंग या किसी भी एक्सरसाइज को लेके कोई भी डर है, आज ही उस डर को बिल्कुल निकालिए और अभी इसी वक्त जस्ट गो फॉर इट। आप में बहुत कैपेबिलिटी है, आप चाहे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आई सी यू अगेन इन माई न्यू वीडियो एंड एज आई ऑलवेज से, इट्स नेवर गोइंग टू बी इजी बट इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी वर्थ इट। आई सी यू सून, बाय।